जब जनाबे जनाब की मुंह आंख खुली तो देखा भाई सामने खड़ा है और देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पसीने से तड़पता है। कहे भैया आप पसीने में तड़पता रहे, आपने ऐसा क्यों किया? कहा बहन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे आराम में खलल हो, धूप की बहुत शिद्दत थी। अजब नहीं जनाबे जनाब को यह वाकया याद हो, और शायद यही वजह है कि जब करबला की तरफ से गुजरी है और देखा हुसैन का लाशा फेरों को गोरों का फल पड़ा हुआ है तो अजीब फितरा का है, ए भैया मैं देख रहा हूँ आपका लाश, मैं देख रहा हूँ आपका लाशा गोरों का फल पड़ा हुआ है, ए भैया अब तो सर पर चादर भी नहीं है कि लाशे पर डाल दे। करबला में जितनी सबसे ज्यादा जो मुसीबत पड़ी वो जनाबे जनाब पर पड़ी, इसलिए कि हर शहीद की मुसीबत का खात्मा उस वक्त हो गया जो